एंड अल्लाह सुब्हान व तआला का जिक्र जो है वही ज़िंदगी का मकसद है। और जिक्र अल्लाह सुब्हान व तआला का जो है वो इतना आसान अमल है, अगर तो हम सिर्फ सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ये अज़कार को ले लें तो बड़ा आसान अमल है। और मगर भाई असल में असल बात जो है ना वो दिल का मामला है, इस दुनिया में भी ना असल दिल है। आजकल आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर, ये नेटफ्लिक्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है ना ये किस चीज़ के लिए कम्पीट कर रहे हैं, वो उसको कहते हैं आपकी अटेंशन के लिए। ये सब आपकी अटेंशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपकी अटेंशन जो है ना इनके ऊपर हो। नेटफ्लिक्स चाहता है कि आप ज़्यादातर जो है अपनी अटेंशन इधर दें, फेसबुक चाहता है कि ज़्यादातर आप स्क्रोलिंग पर अटेंशन दें, यूट्यूब चाहता है कि आप ये शॉर्ट्स वगैरह रील्स वगैरह सारा वक्त देखते रहें। अटेंशन इकोनॉमी भी इसको कहा जाता है। एक लिहाज से देखा जाए हम इसको अटेंशन के अलावा हम दिल के मामले में बात करें तो दिल ये चाहते हैं कि आपका दिल जो है इनकी तरफ हो, ये चाहते हैं कि आपका दिल इनकी तरफ हो। और अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह चाहता है कि आपका दिल जुड़ा हो अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला चाहता है कि आपका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हो, और उसका सबसे ईजी मैकेनिज्म जो है वो है अल्लाह ताला का जिक्र। अच्छा अहमद भाई, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, क्या आर दे बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सवाल करते हैं यूथ के, उसमें मैं आ गया हूँ कि क्या ये दोनों कैसे हम प्रैक्टिकली कैसे इसको देख सकते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि दिल जो है उसका रुख अल्लाह ताला की तरफ करो, यानी तवक्कुल, तक्वा, सब्र, ये सारे आमालुल कुलूब हैं, ये दिल के आमाल हैं। तो एक इस दुनिया में कश्मकश है, और वो कश्मकश ये है कि दुनिया आपको खींच रही है, सोशल मीडिया, आपके दोस्त, एवरी वन इज़ आफ्टर योर हार्ट, एंड अल्लाह कहता है नहीं यार, दिल तुमने मुझे देना। और असल सुकून और इत्मीनान जो है, जैसे हमने पहले भी बात की, दिल का इत्मीनान जो है वो अल्लाह ताला को देने में ही है। अल्लाह ताला को इंसान देगा ना दिल, तब इत्मीनान है। और अल्लाह ताला ने उसका मैकेनिज्म जो है वो जिक्र बनाया। अब जिक्र, जिक्रुल्लाह जो है वो बड़ा एक उसमें वसीम आना है, यानी उसमें नमाज भी आ जाती है, कुरान की तिलावत भी आ जाती है, अज़कार जो हैं सुबह शाम के वो भी आ जाते हैं। तो इंसान का एक ताल्लुक होना चाहिए इसके साथ, यानी आपकी ज़िंदगी में एक फ़िक्स्ड पोर्शन होना चाहिए अल्लाह ताला के जिक्र का। पांच वक्त नमाज तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी। और उसी बात को अल्लाह ताला ने यहाँ पे सूरतुल जुमा में जिक्र किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमा फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, कि जुमे वाले दिन अगर तुम्हें अजान सुन ली, तुम्हारे कानों पर आ गई पुकार जो है जुमे की नमाज के लिए, अगर तुमने सुन ली है तो फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, तो फिर दौड़ो अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ। वज़रुल बैअ, और बाइंग एंड सेलिंग छोड़ दो, अपना कारोबार छोड़ दो। उलमा इससे ये इस्तदलाल करते हैं कि हराम है कारोबार जुमे के वक्त, यानी जुमे के टाइम पे जब आपने नमाज पढ़नी है उस वक्त अगर कोई कारोबार कर रहा है, उस वक्त कोई पैसे कमा रहा है, कोई जॉब पे बैठा है, तो वो हराम है, यानी वाजिब है उसका कि वो जॉब छोड़े, ब्रेक ले जुमा की नमाज पढ़े जाके। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तो ये अल्लाह ताला किस चीज़ को बुला रहे हैं, हमारे दिल को बुला रहे हैं अपनी तरफ, कि दिल जो है इधर हमारे साथ लगाओ, यानी अल्लाह सुब्हान व तआला को टाइम दो ये वाला। और उसके बाद आगे अल्लाह सुब्हान व तआला का फ़ाइदा क़ुदियत अस्सला फ़ंतशिरू फिल अर्द वबतगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और यहाँ पे आपका जवाब है कि आपने कहा कि इन दोनों को हम बैलेंस कैसे करें, कैसे रिकनसाइल करें, इसका यह मतलब है कि कभी आप सोशल मीडिया देखो ही ना, उसके साथ दिल ही ना लाओ, नहीं, कि जब आप वो जिक्र का मौका खत्म हुआ ना, अब फ़ंतशिरू फिल अर्द, फिर जमीन में फैल जाओ और अल्लाह ताला का फजल तलाश करो। अल्लाह ताला का फजल तलाश करने से मुराद ये काम काज करो, हलाल काम करो, अगर सोशल मीडिया वगैरह भी देना उसमें अच्छी कोई चीज़, अच्छी कोई नसीहत करो, प्रोडक्टिव चीज़, अच्छी चीज़, पाक चीज़, साफ चीज़, उसकी तरफ जाओ। तो फ़ंतशिरू फिल अर्द वबतगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, लेकिन तब भी जब काम काज में भी चले गए हो तब भी अल्लाह ताला को याद करो कसरत के साथ, यानी वो तस्बीह अज़कार जो है वो कर लो, यानी एक आपका दिल जो है वो मुअल्लक होना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये तभी हो सकता है अगर हम गैदरिंग्स, छोटे छोटे ग्रुप्स, दोस्त, मस्जिद, इस चीज़ को जो है ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, कि जब हम जाते हैं अपने काम काज के लिए, अपना दुनियावी लिहाज से फोकस कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई टाइम होना चाहिए जिससे हम अपने आप को डिस्कनेक्ट करें, कट ऑफ करें अपने आप को, और अल्लाह ताला के साथ जुड़ें, और फिर जब वहाँ से निकलें फिर अपने काम काज करें। तो ये जो है ये काम नमाज का, जो अहमद भाई जो नमाज के लिए अल्लाह ताला ने जो निज़ाम दिया है पूरा, वल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, खास तौर पर कह के मुहाफ़ज़त, मेरा ख्याल है ऐसे ही है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इंगेज होता है दुनियावी मामलों में, किसी बिजनेस में या किसी मीटिंग से, मजबूर होता है कि कट ऑफ करें, तो जब वो अल्लाह मुहाफ़ज़त का मतलब ये है कि आप पहले टाइम पर जाएँ, वहाँ पर जाकर आप वज़ू करें, अच्छा वज़ू करने के बाद आप पहले थोड़ी सी सुन्नतें अदा करें और नवाफिल अदा करें, उसके बाद
اللہ سے دعا کرے, تھوڑا ٹائم دے اپنے آپ کو, وہ جو ہے نا کہ شروع میں جو ٹائم ہے نماز کا انتظار کرنے کا ٹائم, اور اس کے بعد پھر نماز ادا کرے, وہ میرا خیال ہے وہ ایک اچھا انرجائزر ہوتا ہے آپ کے لیے, جو آپ کو خیر ہی خیر ہے, سائیکولوجیکلی بھی انسان کے لیے خیر ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکات بھی وقت کے اندر, رزق کے اندر, ہر چیز کے اندر.